Hello everyone, welcome to the another video of your favorite educational YouTube चैनल विज्ञान। मेरा नाम है तेजस्वी राज। और बच्चों, जैसा कि आपको आज के थंबनेल से पता चल ही गया होगा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। क्या होता है सर इन इलास्टिक कोलिजन? तो इन इलास्टिक कोलिजन का जो ये वीडियो है, जो भी बच्चे अभी देखने आए हैं, मैं उनसे एक विनती ये करूंगा। वो विनती मेरी ये होगी बेटा कि आप हमारी इलास्टिक कोलिजन की वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो। या फिर मैं आपको ये भी बोलूंगा कि अगर आप मान लो कि इलास्टिक कोलिजन कहीं पर भी पढ़े हुए हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में अपने जहां पर भी आप पढ़ते हो वहां पर पढ़े हुए हो, तभी आपको इन इलास्टिक कोलिजन समझ आएगा। ठीक है, बिना कहीं पर पढ़े हुए इलास्टिक कोलिजन के बारे में, बिना कहीं पर जानकारी लिए हुए इलास्टिक कोलिजन के बारे में, इन इलास्टिक कोलिजन को समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आज एग्जैक्टली अब आपको मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों होता है कोलिजन में एंड एवरीथिंग तो नहीं बताऊंगा, राइट? मैं तो सीधा इन इलास्टिक कोलिजन की थ्योरी पढ़ाऊंगा और फटाफट उसके फॉर्मूले और मैथमेटिक्स करवाऊंगा, है ना? तो इसके कंसेप्ट को समझने के लिए यू नीड टू नो इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, दैट इज द प्रीरिक्विजिट। अगर आपको इलास्टिक कोलिजन आता है, अगर आप जानते हो इलास्टिक कोलिजन का कंसेप्ट, देन डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो टिल दी वेरी एंड, क्योंकि आज हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले कि कंसेप्ट क्या है इन इलास्टिक कोलिजन का, तो देखो इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में ना एक दो बातें हैं जो मैं बोलूंगा, यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है, बोलूंगा भी और लिखूंगा भी, है ना? कि इन इलास्टिक कोलिजन जब दो बॉडीज का होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इन सारी बातों को मैथमेटिकली हम लोग प्रूव भी करेंगे। कि जब किसी दो बॉडीज का इन इलास्टिक कोलिजन होता है, तो आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन क्या होता है, दोनों बॉडीज आपस में जुड़ जाते हैं। बोथ द बॉडीज स्टिक टुगेदर, बोथ दी बॉडीज स्टिक टुगेदर, ठीक है, एंड मूव्स, ठीक है। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि कोलिजन होने के बाद, यानी दोनों बॉडीज जब आपस में टकरा जाते हैं, उसके बाद दोनों बॉडीज आपस में स्टिक कर जाते हैं, यानी चिपक जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो दोनों चिपक कर ही एक साथ मूव करते हैं। क्या करते हैं? चिपक कर ही एक साथ मूव करते हैं। अब देखो तुम्हें लगेगा सर कैसे चिपक जाते हैं दो बॉडीज, कैसे एक साथ मूव करते हैं? तो कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट का एग्जांपल सोच लो अपने दिमाग में जो कि थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी सा है, जैसे आटा, है ना? अगर आटे आटे को जब आपकी मम्मी सान देती है, तो जो आटे का जो बॉल्स बनता है, अगर दोनों आटे के बॉल्स को एक दूसरे से टकराओगे तो दोनों एक दूसरे में चिपक जाएंगे ना, उस तरीके का ऑब्जेक्ट। बिकॉज दैट मीन्स दैट ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, आफ्टर कोलिजन दे स्टिक विथ ईच अदर। ठीक है, तो क्या सर इन इलास्टिक कोलिजन ऑब्जेक्ट की मटेरियल पे डिपेंड करेगा? डेफिनेटली दुनिया का कोई भी कोलिजन, चाहे वो इलास्टिक हो, इन इलास्टिक हो, ऑब्लिक हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, इम्परफेक्टली इलास्टिक हो, एटसेट्रा, जितनी भी तरह की कोलिजन्स हैं, वो सब ऑब्जेक्ट की मटीरियल पे डिपेंड करती है। जिस तरीके का मटीरियल उस तरीके की कोलिजन। ठीक है, तो इन इलास्टिक कोलिजन में जैसे भी मटेरियल हो, खैर हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें उसकी फिजिक्स समझनी है, वो आपस में कोलिजन के बाद एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक साथ मूव करने लगते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि इसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है। अगेन जैसा कि आपने इलास्टिक कोलिजन में भी पढ़ा था कि द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, तो इस केस में भी मोमेंटम जो है वो क्या रहता है, कंजर्व रहता है। तो अब एक चीज याद रखना कि चाहे इस दुनिया का कोई भी कोलिजन हो, कोई भी कोलिजन, इलास्टिक इन इलास्टिक कोई भी हो, सब में मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा, सब में मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा। थर्ड एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई कैनॉट इम्फेसाइज मोर हाउ इंपॉर्टेंट दिस पॉइंट इज, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, एंड दिस वी आर टॉकिंग ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द सिस्टम इज लेस देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ द सिस्टम। ठीक है,
अब देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अगर काइनेटिक एनर्जी फाइनल से बड़ा है तो सर इसका मतलब भी जब दोनों बॉडीज आपस में नहीं टकराई होंगी, अलग अलग मूव कर रही होंगी, यानी बिफोर कोलिजन का अगर सिनेरियो ले, तो उस समय अगर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है उस वो काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी जब वो दोनों बॉडीज आपस में टकराएंगे। तो सर जो एनर्जी घटी जितने अमाउंट से, वो जो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी है, वो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, वो कहाँ गई? तो बेटा इन इलास्टिक कोलिजन में देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, इन इलास्टिक कोलिजन में देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी। जब दो बॉडीज आपस में इन इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो वो एनर्जी लूज करते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ एनर्जी लूज करते हैं, और क्योंकि वो कुछ एनर्जी लूज करते हैं इसीलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स ग्रेटर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट है ये इन इलास्टिक कोलिजन का। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करना 1 मिनट के लिए और इसको गो थ्रू करना, और अगर लिखना होगा तो पॉज करके लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको करवाते हैं विजुअलाइज कि कैसे करते हैं दो ऑब्जेक्ट्स इन इलास्टिक कोलिजन। मान लो एक बॉडी थी मास m1, इनिशियल वेलोसिटी u1, दूसरी बॉडी मास m2, इनिशियल वेलोसिटी u2। आफ्टर दे गेट कोलाइडेड विथ ईच अदर, वो एक दूसरे में चिपक गए। क्या हुआ? एक दूसरे में ऐसे चिपक गए। अब जब ये मास m1 और मास m2 एक दूसरे में चिपक गए, तो इनके इस कॉम्बिनेशन को मैं एक सिस्टम मान लूंगा, इनके इस कॉम्बिनेशन को मैं एक सिस्टम मान लूंगा। क्या मान लूंगा? सिस्टम मान लूंगा। ठीक है, और आप यहां पर देख रहे होंगे कि देर आर सम सॉर्ट ऑफ डिफॉर्मेशन आल्सो हैपनिंग, राइट? क्या हो रहा है? डिफॉर्मेशन हो रहा है, राइट? इन इलास्टिक एज द नेम सजेस्ट कि टकराने के बाद ऑब्जेक्ट अपना शेप कंप्लीटली रीगेन नहीं करेगा, पार्शियली रीगेन कर सकता है, हो सकता है 30-40% कर ले, 80% कर ले, बट 100% दे विल नॉट रीगेन देयर शेप। ठीक है, और ये जो डिफॉर्मेशन है इसी में एनर्जी लॉस्ट होती है। दिस डिफॉर्मेशन इज द रूट कॉज ऑफ द एनर्जी लॉस, और इसी को हो इसीलिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये स्टेटमेंट मैंने क्यों लिखा था पिछले स्लाइड में, यानी इस स्लाइड में, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट जब टकराते हैं तो उनकी शेप में डिफॉर्मेशन होता है, तो उसमें जो एनर्जी लूज होती है इसीलिए हम कहते हैं कि उस वो एनर्जी लॉस हुआ है, दैट्स वाई जो फाइनल आफ्टर कोलिजन का जो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, अब देखो ये जो सिस्टम बना ना दोस्त इन दोनों का कंबाइंड, हम इनकी वेलोसिटी को, क्योंकि अब तो ये दोनों चिपक कर एक साथ मूव कर रहे हैं ना, तो इन दोनों की जो कंबाइंड वेलोसिटी है उसको लिखते हैं वी कंबाइंड। ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म में इसको वीसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि अब जो ये दो ऑब्जेक्ट आपस में चिपक गए, चिपक कर जो एक साथ मूव कर रहे हैं, एक साथ जो मूव कर रहे हैं, तो उनकी जो कंबाइंड वेलोसिटी है उसको दर्शाने के लिए हमने वी कंबाइंड लिख दिया, या शॉर्ट में उसको वी सी लिख दिया। शॉर्ट में उसको क्या लिख दिया? वी सी। ठीक है, चलो ये तो आई गेस आपको क्लियर होगा। अब एक और चीज देखो यहां पर ध्यान से, अगर मैं इसी को मैग्निफाई करूं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, M1 M2 सेम ही है, ये ऊपर वाला केस। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे होंगे, M2 M1 पे इधर लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, और M1 M2 पर इधर लगा रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, दोनों ठीक है एक दूसरे से ऑपोजिट एक्शन में। ठीक है, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो इन दोनों का इफेक्ट क्या हो रहा होगा, नलीफाई। अब ध्यान से देखो, मैंने तो M1 और M2 दोनों को सिस्टम मान रखा है ना, तो ये जो फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ये एक इंटरनल फोर्स है या एक्सटर्नल फोर्स है? ये एक इंटरनल फोर्स है, राइट? द सिस्टम पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो अगर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, चूंकि एफ एक्सटर्नल इज जीरो ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। ठीक है, यानी इसी को तो कहते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन।
मैंने क्या बोला था कि जो भी मैंने पिछले स्लाइड में लिखा है सबको मैं मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा। ये वाला भी प्रूव कर दिया, काइनेटिक एनर्जी वाला, ये मोमेंटम कंजर्वेशन वाला ही प्रूव कर दिया। देख लो, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट प्रूव हो गया, पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दिया। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एनीवेज कोलिजन होने के बावजूद सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इसीलिए आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन द मोमेंटम विल बी सेम। ठीक है, चलो अब देखो, मान लो दो ऑब्जेक्ट्स m1 u1 वेलोसिटी से जा रहा है, m2 u2 वेलोसिटी से जा रहा है, आपस में कोलाइड किया और ऐसे स्टिक टुगेदर हो गए m1 m2, और ये दोनों जाने लग गए अपनी v कंबाइंड वेलोसिटी से। ठीक है, हमें पता है कि p इनिशियल क्या होगा, p फाइनल के बराबर सिस्टम का, तो p इनिशियल क्या हो जाएगा, p इनिशियल हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2, और ये क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों का कंबाइंड मास इंटू vc। तो यहां से vc की वैल्यू क्या निकल जाएगी, vc की वैल्यू लिखने की अभी जरूरत नहीं है, देखो ध्यान से, छोड़ो आगे बताऊंगा। तो ये जो इक्वेशन है ना दोस्त, ये इक्वेशन आप पूरे इनइलास्टिक कोलिजन में यूज करोगे, एंड दिस इज द सोल इक्वेशन, दिस इज द ओनली इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन के अलावा और आप इनइलास्टिक कोलिजन में कोई भी इक्वेशन यूज नहीं करोगे। इस इक्वेशन के अलावा इन इलास्टिक कोलिजन में, मैं फिर से बोल रहा हूं, आप कोई इक्वेशन यूज नहीं करोगे। सो दिस इक्वेशन विच आई एम हाईलाइटिंग हियर विद द हाईलाइटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भैया, ठीक है सर, ओके ओके, ये तो क्लियर हो गया। अब आपको पता होगा एक चीज होती है कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बच्चे यहां पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बताना क्या होगा, सोच के बताओ, क्या दोनों ऑब्जेक्ट कभी सेपरेट हो रहे हैं आफ्टर कोलिजन, नहीं, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी, जीरो, तो ई क्या हो जाएगा, जीरो। कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज जीरो इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज जीरो इन केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। इसको ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। ठीक है, ओके, तो बेसिकली इसमें समझना क्या है, ई इज इक्वल टू जीरो है, बस याद रखना इन इलास्टिक कोलिजन में कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जीरो होता है। क्यों होता है, क्या लॉजिक है, मैं बता चुका हूं, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट आपस में सेपरेट हो ही नहीं रहे, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहां से आएगी, हलवा से। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे एक अगर सिचुएशन देखें कि मान लो एक बुलेट है, ठीक है, इस मान लो बुलेट का मास है m और ये v नॉट वेलोसिटी से जा रही है, और यहां पर ना एक टारगेट रखा हुआ है। ठीक है, इस टारगेट का ना मास है कैपिटल m और ये रेस्ट पे है, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अब ये बुलेट इस टारगेट से जाके टकराती है और टारगेट में चिपक जाती है, तो टारगेट और बुलेट के बीच का रिश्ता कुछ इस तरीके का हो जाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है टाइप का। ठीक है, कि बुलेट ऐसे चिपक गई है टारगेट से जाके। ठीक है, अब ये बुलेट इस टारगेट से जाके ऐसे चिपक गई है, बुलेट का मास एम, इसका मास कैपिटल एम, दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी को लिख देते हैं वीसी। तो अब वीसी, अब अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, अगर आपसे ये पूछो कि वीसी की वैल्यू क्या होगी, यानी बुलेट का टारगेट से टकराने के बाद कंबाइंड वेलोसिटी सिस्टम का क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो मोमेंटम कंजर्वेशन करें। ठीक है, यहां से ये वाला इक्वेशन लगा दें, अरे बोलो ना यार, ये वाला इक्वेशन लगाए क्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एम वी नॉट, एम टू यू टू तो जीरो, क्योंकि इनिशियली ये था रेस्ट में था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी सी, तो दोस्त यहाँ से वी सी की वैल्यू क्या आएगी, एम वी नॉट डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, दिस इज दी कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ दिस सिस्टम विच इज द टारगेट एंड द बुलेट, विच इज दिस टारगेट एंड दिस, हैव अ लुक ऑफ इट। ठीक है, आगी बात समझ, आगी सर। अब देखो,
एक कंसेप्ट होता है बलिस्टिक पेंडुलम का, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। बलिस्टिक पेंडुलम का हम यूज करते हैं इन इलास्टिक कोरिजन में, ठीक है ना, तो समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, मान लो कि कहाँ बनाओ पेंडुलम, यही बना देता हूँ ना, यहाँ पर एक पेंडुलम है और ये एक बॉब है, इस बॉब का मास कैपिटल एम है, ठीक है भैया, ओके भैया। अब देखो यहाँ पर एक बुलेट है, इस बुलेट का मास है मान लो 1 kg, ठीक है, और चलो इस कैपिटल एम का मास मान लेते हैं 9 kg, इस बॉब का मास भी गिवन है मान लो 9 kg, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है दोस्त, ठीक है, और मान लो इस बुलेट की जो स्पीड है वो है 100 m/s, ठीक है। मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई, बुलेट की स्पीड 100 m/s, जिसके जिससे कि वो बॉब ऑफ दी पेंडुलम की तरफ बढ़ता जा रहा है, बुलेट की मास है 1 kg, पेंडुलम के बॉब का मास है 9 kg, ठीक है, ओके सर क्लियर है। अब जब ये बुलेट जाकर इस पेंडुलम के बॉब से टकराएगा तो ये बॉब ऊपर की तरफ स्विंग करेगा, यानी कहीं यहाँ पर ऐसे जाएगा, अरे कैसे जाएगा बताओ ना सर, बताते ही नहीं हो, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, कुछ इस तरीके से स्विंग करके ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यानी सर्टेन हाइट ऊपर जाएगा अपनी इनिशियल हाइट से, मान लो ये एच हाइट ऊपर जाता है, जब गोली उस बॉब से टकराई, बॉब टूंग करके ऊपर चला गया, अब हमने वहां पर उसको पॉज कर दिया, ठीक है, तो कितनी हाइट वो ऊपर गया, वो हाइट अगर आपसे पूछी जाए तो कैसे निकालोगे, सवाल ये है कि कितनी हाइट वो पेंडुलम ऊपर गया बुलेट से टकराने के बाद, ये हाइट अगर आपसे पूछी जाए कैसे निकालोगे, अरे बोलो ना यार, ठीक है, और बाय द वे ये बंदूक जो है, ये सॉरी बंदूक कह रहा हूँ, ये गोली जो है इस बुलेट में चिपकी हुई है, ठीक है, चिपक गई है जा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे, अरे कैसे निकालेंगे, कंजर्वेशन लगाओगे मोमेंटम का, अरे बोलो ना यार, नहीं बोलते हो, ठीक है, चलो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, ये क्या हो गया एम बी नॉट 1 × 100, ठीक है, उसके बाद और तो कोई मास था नहीं, ये तो रेस्ट पे था, है ना, अब दोनों टकरा गए, ये क्या हो गया 1 + 9, यानी 1 kg मास हो गया बुलेट का, 9 kg मास हो गया पेंडुलम के बॉब का, दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि दोनों आपस में चिपके हुए हैं, एक सिस्टम बना लिया है, और उनकी वेलोसिटी कितनी है भैया, वेलोसिटी होगी वी सी, ठीक वी कंबाइंड, अब यहाँ से वी कंबाइंड की वैल्यू निकल जाएगी क्या, ये हो गया 100, ये हो गया 10, तो वी कंबाइंड क्या हो जाएगा 100/10 विच इज 10 m/s, ठीक है, तो हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि जब बुलेट पेंडुलम के बॉब से टकराएगा तो दोनों की जो टकराने के बाद कंबाइंड स्पीड होगी, ठीक है, जब वो एक दूसरे के साथ चिपक के चलेंगे आगे, तो वो होगी 10 m/s, ठीक। अब हमें निकालनी है हाइट ऑफ हाइट एच, है ना, ध्यान से देखना, अगर मैं इस पॉइंट को मान लूँ रेफरेंस लाइन, ठीक है, और ये पॉइंट मान लूँ पॉइंट ए, ठीक है, जहां पर शुरू में बॉब था उसको रेफरेंस लाइन मान लिया, जहां पर वो जितने हाइट तक ऊपर गया उस हाइट वाले पॉइंट को पॉइंट ए मान लिया, अब काइनेटिक एनर्जी जो थी रेफरेंस लाइन पर, ध्यान से देखना, ठीक है, और समझने की कोशिश करना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी एट रेफरेंस लाइन, वही तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई एट पॉइंट ए, वही तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जो शुरू में बॉब की थी, जब बॉब जस्ट बुलेट से टकराया होगा, वही तो ऊपर में जाके जब बॉब 1 सेकंड के लिए रुका होगा, 1 nanosecond के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी, वही काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो चलो फिर इक्वेशन लगाओ, क्या है इक्वेशन, हाफ एम, एम प्लस एम इज 9 + 1 = 10, ठीक है, इंटू वी स्क्वायर इज हाउ मच, वी सी स्क्वायर इज 100, ठीक है, रेफरेंस लाइन पे जैसे ही बुलेट टकराया उस समय की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, एम जी एच, एम जी एच वो एम डी एच था, ओके ठीक है, एम प्लस एम, ठीक है, 1 + 9 = 10, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 10 ले लेते हैं, और ये एच, इसे ही तो हमें निकालना है, ये इसको कट कर देगा ये 5, तो एच इज इक्वल टू क्या आ गया 5 m, ये क्या आ गया आंसर, आ गया सर, अरे बहुत बढ़िया, ठीक है, आ गई क्या आंसर, अरे बोलो ना यार, आ गई,
फिर से ये वाला पॉइंट समझा देता हूं, अगर किसी नादान परिंदे को दिक्कत हुई होगी तो ध्यान से। रेफरेंस लाइन पर जैसे ही बुलेट ने बॉब को टच किया, दोनों आगे बढ़े, ठीक है, उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, वो हमने लिख ली। उसको बराबर किसके किया, जैसे ही बुलेट ऊपर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा होगा, 1 सेकंड के लिए बुलेट रुका होगा, थम गया होगा। तो क्यों थमा वो, क्यों नहीं ऊपर चलता गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 किस में कन्वर्ट होती गई, पोटेंशियल एनर्जी में। और एट द टाइम काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, बॉब हाईएस्ट पॉइंट पे रुक गया। तो हमने क्या किया, उसको पोटेंशियल एनर्जी अटैक के बराबर कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूले MgH, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ½ mv² लगा दिया भैया, H मिल गया, काम खत्म। अरे जल्दी बताओ, अरे जल्दी बता दो मेरे बालकों, अच्छा नहीं लगता है मुझे ऐसे तुम लोग इग्नोर करते हो, मुझे तो बहुत बुरा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, हमें ये क्वेश्चन लिखना भूल गया था स्लाइड में, ठीक है, बट इसका फोटो ले रखा है मैंने फोन में ना, तो मैं ये क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगा। ओके व्हाट इज द क्वेश्चन, ओके देखो क्वेश्चन ये है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, अ बॉडी, अ बॉडी ऑफ मास m, m a m 1 है, m 1, अ बॉडी ऑफ मास m 1 मूविंग विथ वेलोसिटी u, ठीक है, मूविंग विथ वेलोसिटी u, ठीक है, स्ट्राइक्स स्ट्राइक्स अनदर बॉडी ऑफ मास m2 एट रेस्ट, ठीक है। पहले पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर समझा दूंगा। बोथ बॉडीज स्टिक टुगेदर, बोथ बॉडी तो ऑब्वियसली इलास्टिक कोलिजन ही पर रहे हैं तो स्टिक टुगेदर तो करेंगे, ठीक है, बोथ बॉडीज स्टिक टुगेदर एंड मूव्स फॉरवर्ड, एंड मूव्स फॉरवर्ड, फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज, नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ध्यान से देखो क्वेश्चन को, एक बॉडी है जिसका मास m1 है, मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u, वो एक दूसरे बॉडी से टकराता है जिसका मास m2 है, वो बॉडी रेस्ट में थी, ठीक है, दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ स्टिक करके आगे मूव करने लगते हैं, ठीक है। हमें बताना है फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, व्हाट डू वी मीन बाय फ्रैक्शनल चेंज, सबसे पहला सवाल, व्हाट डू वी मीन बाय फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज क्या हो गया, जितना चेंज हुआ उसको अगर ओरिजिनल से डिवाइड कर देंगे, चेंज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज, की कितने फ्रैक्शन से चेंज हुआ, सही है ना। तो चेंज को क्या बोलेंगे, डेल्टा के, और ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, के इनिशियल, तो डेल्टा के बाई के इनिशियल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को मैंने कर दिया ब्रेक डाउन मैथमेटिक्स में, डेल्टा के अपॉन के इनिशियल पूछा जा रहा है, ये फ्रैक्शनल चेंज है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो मेरी तकलीफ नहीं है, आपने क्लास हाई स्कूल में अच्छे से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है तो रट लेना मेरे भाई। अब जिसको नहीं समझ आ रहा है हर चीज में, जिनको रटना ही पसंद है लॉजिक, उनको उनको सोचना ही नहीं, अपने दिमाग पे जोर ही नहीं डालना है जिन बच्चों को, उनका मैं क्या कर सकता हूँ। जिनको समझ आ रहा है कुडोज, आप समझ गए हो फ्रैक्शनल चेंज, अब आप क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है। देखो एक मास था m1, यू वेलोसिटी से जा रहा था, दूसरा मास है m2 जो कि रेस्ट पे था, ठीक है, टकराने का दोनों एक साथ चलने लग गए, ठीक है, m1 m2 bc से, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम m1u प्लस 0 क्योंकि रेस्ट पे था, m1 प्लस m2 इंटू bc, सही है ना, तो इससे bc क्या आ जाएगा, m1u डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। यहां तक तो कोई चीज में दिक्कत नहीं है, ये तो हम अभी 2-3 बार निकाल चुके हैं जब से इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं कि v कंबाइंड कैसे निकालेंगे, m1u डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ऊपर में छोटा और बड़ा मास लिया था, छोटा m और बड़ा m लिया था, ठीक है, यही है ना, देखो एम यू डिवाइड बाई एम प्लस एम, वही चीज है। अच्छा एक पेज बच गया था बैलिस्टिक का, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो वी सी आ गया। अब देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, ½ m1 u²
है ना, क्योंकि इनिशियली तो बस एक ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम वन प्लस एम टू, क्योंकि दोनों अब एक साथ चिपक चुके हैं, वी सी स्क्वायर, उनकी कंबाइंड वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा के क्या है? के इनिशियल माइनस के फाइनल। क्यों के फाइनल माइनस के इनिशियल नहीं लिया? बिकॉज हमें पता है कि के इनिशियल इज ग्रेटर देन के फाइनल इन इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा बड़े को छोटे से घटाते हैं चेंज निकालने के लिए। तो बड़ा यहाँ पर के इनिशियल है, इसीलिए हमने उसको आगे में लिया। तो के इनिशियल क्या है? हाफ एम वन यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा हाफ एम वन प्लस एम टू बी सी स्क्वायर। सही है ना यार, बताओ। अब जो यहाँ पर बी सी की वैल्यू आई थी ना, एम वन यू बाई एम वन प्लस एम टू, इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो इस वाले इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा हाफ एम वन यू स्क्वायर माइनस हाफ एम वन प्लस एम टू। बी सी क्या आया था? एम वन यू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। तो एम वन यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर। तो देखो ये एक एम वन प्लस एम टू, एक इसको काट देगा। ठीक है, और हाँ चलो ठीक है, आगे देखते हैं क्या होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? डेल्टा के इज इक्वल टू, अगर मैं हाफ एम वन यू स्क्वायर को कॉमन ले लूँ, तो ये क्या हो जाएगा? वन माइनस एम वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ एम वन यू स्क्वायर एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। एलसीएम ले लिया, एलसीएम। ठीक है, तो डेल्टा के बाई के इनिशियल निकालनी थी ना हमें, ये तो डेल्टा के आया। अब डेल्टा के बाई के इनिशियल क्या आएगा भैया? तो हाफ एम वन यू स्क्वायर एम टू बाई एम वन प्लस एम टू डिवाइड बाई के इनिशियल कितना था बेटे? के इनिशियल था हाफ एम वन यू स्क्वायर, हाफ एम वन यू स्क्वायर ये, और ये खचक। तो फ्रैक्शनल चेंज कितना आ गया? डेल्टा के बाई के इनिशियल आ गया फट से एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। अरे ये आंसर हो गया कि नहीं हो गया? क्या हो गया? नहीं आंसर खत्म, यही था इस क्वेश्चन में। यही क्वेश्चन जेई में पूछ देते हैं आपसे, ये क्वेश्चन मेंस में एडवांस में पूछ देते हैं आपसे, और आप नादान परिंदे इसका जवाब नहीं दे पाते। समझ आया क्या? समझ में आया क्या? जल्दी देखो, वीडियो को पॉज करो, नहीं समझ आए जो पार्ट वो कमेंट सेक्शन में लिखो, शर्माओ मत। ठीक है, सीखने की उम्र है, सीख जब कुछ सीखने जाते हैं ना हम, तो शर्म है आपको त्याग देना चाहिए। ठीक है, चलो ज्ञान हो गया सर, अब आगे बढ़े बढ़ते हैं। हाँ भैया, तो देखो क्या बोले, आज के बच्चे ज्ञान ही नहीं लेना चाहते हैं। बोलते हैं सर ज्ञान मत दो, है ना, ऐसे दे दो सर, मार्क्स दे दो, ज्ञान मत दो। ठीक, ए ब्लॉक ऑफ मास 1.9 kg, ठीक है, एक ब्लॉक है जिसका मास है 1.9 kg, इज एट रेस्ट एट द एज ऑफ अ टेबल, ठीक है, ऑफ हाइट 1 m। टेबल की हाइट दी हुई है, टेबल के कोने पे एक 1.9 kg का मास शांति से पड़ा हुआ है। ठीक, हमें तो चुल्ल है, हमें तो उसको मूव करना है, तो हमने क्या करा, एक बुलेट ऑफ मास 0.1 kg को कोलाइड करवा दिया उस ब्लॉक से, और अब वो बुलेट जाकर उस ब्लॉक से चिपक गई, यानी इनलास्टिक कोलिजन हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 20 m/s इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जस्ट बिफोर द कोलिजन, यानी ऑफ द बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन। देन द काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर द कंबाइंड सिस्टम स्ट्राइक्स द फ्लोर इज, तो काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर द कंबाइंड सिस्टम स्ट्राइक द फ्लोर, यानी जब दोनों टकरा गए, बुलेट और वो मास, ठीक है, और टकरा कर जब वो टेबल से गिरने लग गए चिपक के, तो जस्ट जैसे ही फ्लोर से वो टकराने वाले थे, उससे पहले की काइनेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम की, यानी मास और बुलेट की क्या होगी, ये पूछी जा रही है। ठीक है, अज्यूम देयर इज नो रोटेशनल मोशन एंड लॉस ऑफ एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। अज्यूम कर लो कि रोटेशनल मोशन का तो सवाल ही नहीं उठता, और लॉस ऑफ एनर्जी को भी हमने नेग्लिजिबल मान लिया, क्वेश्चन हो गया आसान। यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे दिया कि लॉस ऑफ एनर्जी इज नेग्लिजिबल, जी को 10 m/s² लेना है। आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा आई गेस। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि एक टेबल है, ठीक है, इस टेबल पर यहाँ पर एक मास रखा हुआ है, ठीक है, 1.9 kg का। अब उससे जाकर ये बुलेट टकराता है, उसके तरफ ये बुलेट आगे बढ़ रहा है पूरी क्षमता से अपनी, ठीक है, और ये हाइट है 1 m।
है, गिवन है क्वेश्चन, मैं कुछ खुद से नहीं बता रहा, है ना, सर खुद से हाइप दे दिया आपने, नहीं ठीक है। बुलेट का मास कितना है? 0.1 kg। बुलेट का मास है 0.1 kg, और बुलेट की इनिशियल स्पीड कितनी है? 20 m/s, ठीक है। तो अब दोनों टकराएंगे, उसके बाद यहाँ पर ये नीचे गिरेंगे, और नीचे गिर के जैसे ही फ्लोर से टकराने वाले होंगे, उससे पहले की काइनेटिक एनर्जी बतानी है, ठीक है सर। हाँ देखो, मान लेते हैं कि VC होगा कंबाइंड सिस्टम का, क्या वेलोसिटी, ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर लगाएंगे तो वो क्या होगा, MU इज इक्वल टू M+M × VC, सही है ना। तो MU इज हाउ मच, 0.1 × 20 इज इक्वल टू M+M, 1.9 + 0.1 लिख देते हैं, बाद में ऐड वैड करूंगा, ठीक है सर, कितने गवार हो, 2 होगा, ठीक है, 1.9 + 0.1, ठीक है, × VC। अब जब यहाँ से आप VC निकालोगे तो VC कितना आएगा, VC आ जाएगा आपको 1 m/s, दिख रहा है मुझे, तो कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी आ गई 1 m/s, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट के पास, यहां पर अगर हम इनिशियली सिस्टम को देखें बिफोर कोलिजन, तो इस बुलेट के पास काइनेटिक एनर्जी थी और इस ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी थी, राइट, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और फाइनली जब दोनों सिस्टम टकरा गए और आपस में चिपक चिपक कर नीचे गिरने लग गए टेबल से, तो जस्ट फ्लोर से टकराने से पहले दोनों सिस्टम के पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी ही थी सर, पोटेंशियल एनर्जी तो थी नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट वाज इन मोशन, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था भैया, जल्दी बताओ, इस 1.9 kg वाले ब्लॉक को, ठीक है, मैं क्या मान लूँ, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, ठीक है, तो इस 1.5 kg वाले ब्लॉक को और इन दोनों को का मास को मैं 2 kg मान लूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 10 × H इज हाउ मच, जी, ठीक है, जी। के फाइनल क्या होगा, उसको के फाइनल छोड़ देते हैं, के इनिशियल इधर चला गया फटक से राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस आ गया। हाँ, मास ऑफ द सिस्टम इज 2 × स्पीड कितना होगा भैया, अभी तो निकाला 1 स्क्वायर कंबाइंड, ठीक है, तो इससे ये आ गया भैया 20 K फाइनल, ये 2 और 2 कट गया -1, तो K फाइनल आ गया 21 J। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर द सिस्टम वाज अबाउट टू स्ट्राइक द सरफेस विल बी 21 J, विल बी 21 J, सही है ना, सही है ना, समझ आ रहा है। तो ये भी एक क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था इन इलास्टिक कोलिजन का, ठीक है। देखो, मुझे तो लगता है जेई को इन इलास्टिक कोलिजन से और ज्यादा क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्योंकि इससे बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। पार्टिकल ए ऑफ मास m1 मूव्स विद वेलोसिटी √3i cap + j cap m/s, कोलाइड्स विद अनदर पार्टिकल बी ऑफ मास m2 व्हिच इज एट रेस्ट इनिशियली। ओके, एक पार्टिकल ए है जिसका मास m1 है, इनिशियल वेलोसिटी इज √3i cap + j cap m/s, वो कोलाइड करता है एक दूसरे पार्टिकल बी से जिसका मास m2 है और वो रेस्ट पे है इनिशियली। लेट v1 एंड v2 बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए एंड बी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ओ, ये तो इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन आ गया, कोई नहीं, चलो ये क्वेश्चन होमवर्क हो गया तुम लोगों का, कोई बात नहीं, ये गलती से मैंने इलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन बीच में चिपका दिया है, ठीक है, माई बैड, बट एक्चुअली नॉट माई बैड, इसको सॉल्व करना, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन पढ़ रखा है ना, पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है, सॉल्व करना। हिंट दे दूं क्या इस क्वेश्चन में? चलो हिंट दे देता हूँ, सबसे पहले क्या करना, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेना, ठीक है, ये होमवर्क है आपका, है ना, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेना, ठीक है, और उसको लगाकर जो इक्वेशन आएगी उससे एंगल मिल जाएगा, उसको लगाकर जो इक्वेशन आएगी उससे एंगल मिल जाएगा, एंगल ही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि v1 v2 वेलोसिटी ए और बी का आफ्टर कोलिजन, m1 की वैल्यू 2 m2 के बराबर है, एंड आफ्टर कोलिजन v1 दिया हुआ है, तो एंगल बिटवीन v1 एंड v2 क्या होगा, ठीक है, यही पूछा जा रहा है। इसका आंसर मुझे याद नहीं है, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर वॉज समवट अराउंड 105 डिग्री, देख लेना, यही आंसर है, ठीक है, मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिया फॉर योर रेफरेंस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, घर पे भी तो कुछ करो यार, है कि नहीं, दिन भर पड़े रहते हो, खाते रहते हो, मोटे हो जाओ, ठीक है, आ जाओ। ये जेई मेंस 2020 में पूछा गया था बच्चों, बहुत ही रिसेंट पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास एम हैव रिस्पेक्टिव इनिशियल वेलोसिटी UI cap एंड UI i cap + j cap / 2, दो आइडेंटिकल मासेस हैं,
एम और एम, ठीक है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी यू आई कैप और यू आई प्लस जे बाई टू है। दे कोलाइड कंप्लीटली इन इलास्टिकली, यानी दोनों में इन इलास्टिक कोलिजन होता है, तो एनर्जी लॉस क्या हुआ इस प्रोसेस में, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यू वन इज हाउ मच, यू आई कैप, ठीक है, यू टू इज हाउ मच, वेक्टर का साइन लगा देते हैं क्योंकि वेक्टर नोटेशन में लिख रहे हैं, ये क्या है, यू आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर लगाते हैं, पी इनिशियल पी फाइनल, तो एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, इक्वेशन लिख रहा हूं पहले, एम वन प्लस एम टू इंटू वी कंबाइंड, सही है ना, तो ये हो गया एम यू आई कैप, ठीक है, प्लस एम यू आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, सही है, एम यू आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई टू, ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, टू एम, और इसको मान लिया वी सी वेक्टर, टू एम, और ये हो गया वी सी वेक्टर, तो अलग अलग कर दो तो ये हो जाएगा एम यू आई कैप, रुको, तुम सोचोगे मैंने यू को एज अ सबस्क्रिप्ट लिखा है, अबे यार ये सब्सक्राइब कहाँ से आ गया, रुको, क्या हो जाता है भाई, अरे क्या ही हो जा रहा है ऐसा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, अरे भैया माफ करो मुझे, ये हो गया एम यू आई कैप, ठीक है, प्लस एम यू आई कैप डिवाइडेड बाई टू प्लस एम यू जे कैप डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू टू एम वी कम्बाइंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा टू एम यू आई कैप प्लस एम यू आई कैप, यानी थ्री बाई टू एम यू आई कैप, ठीक है, और ये हो जाएगा वन बाई टू एम यू जे कैप इज इक्वल टू टू एम वी सी, सही है, बात समझ आ रही है यहाँ तक, ठीक है, तो जो वी सी होगा वो तो फाइनली हो जाएगा, एम सब जगह से कैंसिल कर दो, ये एम और ये एम कट गया, तो वी सी क्या आया, थ्री बाई टू यू आई कैप प्लस वन बाई टू यू जे कैप, ठीक है, ये आगे कंबाइंड वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम इन वेक्टर्स, तो अब इसकी अगर मैग्नीट्यूड निकालनी है तो क्या करेंगे, थ्री बाई टू का होल स्क्वायर प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा नाइन बाई फोर, और ये हो जाएगा प्लस वन बाई फोर, तो टेन बाई फोर, ठीक है, तो टेन बाई फोर इज हाउ मच, और यू तो बाहर रहेगा ना, ये यू तो कॉमन है, तो यू बाहर रहेगा रूट के, क्योंकि यू स्क्वायर तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो टेन बाई फोर क्या हो जाएगा यार, फाइव बाई टू, टेन बाई फोर इज रूट टेन बाई टू कर देते हैं ना, यू रूट टेन बाई टू, यू रूट टेन बाई टू मीटर पर सेकेंड इज द फाइनल वेलोसिटी, इज द फाइनल वेलोसिटी यानी वी सी, ठीक है, अब जब हमें वी सी मिल गया, जब हमें वी सी मिल गया तब हमें क्या करना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी सिस्टम की, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाज हाफ एम यू स्क्वायर प्लस यू बाई रूट टू का होल स्क्वायर, ये कैसे हुआ देखो ध्यान से, यहाँ पर आई कैप प्लस जे कैप बाई टू ना, ठीक है, तो आई कैप प्लस जे कैप क्या हो गया, आई कैप की मैग्नीट्यूड वन, जे कैप की मैग्नीट्यूड वन, दोनों का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वन बाई, और नीचे में क्या था रूट टू, ठीक है, ओके मैग्नीट्यूड निकाल दिया दोस्त, ठीक है, ये आ गए, और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल को अगर हम और अच्छे से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा फाइनली यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बाई टू, यानी ये आ जाएगा थ्री बाई फोर एम यू स्क्वायर, ठीक है, सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी फाइनल वो क्या होगा, हाफ इंटू टू एम, ठीक है, और फाइनल स्पीड कितनी है, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर टेन बाई फोर, ठीक है, तो यू स्क्वायर टेन बाई फोर आ गया, ये टू और टू कट गया, क्या बचा हमारे पास, एम यू स्क्वायर टेन बाई फोर एम यू स्क्वायर, यानी टू फाइव जो टेन, टू टू जो फाइव बाई टू एम यू स्क्वायर, ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, के इनिशियल माइनस के फाइनल, ठीक है, के इनिशियल माइनस के फाइनल, तो के इनिशियल माइनस के फाइनल क्या हो जाएगा, थ्री बाई फोर माइनस फाइव बाई टू, इसको सॉल्व कर लेना जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है, तो ये था जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन, इसमें क्या ऐसा कुछ भी था जो मैंने नहीं पढ़ाया थ्योरी में, जल्दी बताओ क्या इसमें ऐसा कुछ भी था जो मैंने थ्योरी में नहीं पढ़ाया अभी, इन इलास्टिक कोलिजन सब पढ़ा चुका, क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है,
बस घर जाओ फिर, रुक जाओ घर जाने से पहले, क्या करना है, सब्सक्राइब यार, प्लीज सब्सक्राइब करो, शो सम सपोर्ट टू द चैनल सो दैट चैनल कीप्स ऑन ग्रोइंग, ठीक है। बीच में अभी मैं देख रहा था थोड़े व्यूज कम आ रहे थे, जिससे कि मेरे को थोड़ा सा डिप्रेशन टाइप का फील होने लगा। क्या डिप्रेशन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, आई फील डीमोटिवेटेड, मतलब बच्चे क्या पसंद नहीं कर रहे वीडियो, क्या सीन है, जो भी है जो बताओ यार, गिव योर ऑनेस्ट फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन, आई वॉन्ट योर फीडबैक बच्चों, कैसा चल रहा है सेशन, कैसा लग रहा है, ठीक है। बहुत जल्द हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट वीडियो लेकर आपके पास आएंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, JEE 2024 के परस्पेक्टिव के लिए, यानी अगर आप 11th के बच्चे हो तो आपके सीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।